मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को 903.57 करोड़ की लागत की पीएमसीएच के पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण के तहत नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, इसे उसी रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत पीएमसीएच को आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सीएम ने राज्य के 214 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन पर 408.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पहले सुबह मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण के तहत केंद्रीय उपयोगिता खंड यानी कि CUB में अवस्थित बाह्य रोगी विभाग का उद्घाटन किया। 550 बेड के छात्रावास भवन के साथ बहुमंजिली वाहन पार्किंग भवन का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने छात्रावास में नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया। वहीं जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LB सिंह व उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुरेंदु पांडे ने सूबे के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के निर्माणधीन नए भवन में OPD सहित कई अन्य सेवाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। नेताओं ने कहा कि PMCH के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो परिकल्पना है विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का, उस लक्ष्य को पूरा करने में यह मील का पत्थर साबित होगा।